बिहार में चौथे दौर के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। रविवार को 7 जिलों में 55 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में राज्य के उत्तरी भाग के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान जिलों के 55 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोपालगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम आज मुजफ्फरपुर में भी चुनावी रैली करेंगे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कटिहार में चुनावी रैलियां करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री पीएसओ गणपति राजू ने आज नागरिक उड्डयन नीति के मसौदे को जारी किया। इसमें अगले 10 सालों में घरेलू मोर्चे पर 30 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर 20 करोड़ हवाई टिकटें बेचे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति का खास मकसद है हवाई संपर्क को बढ़ावा देना। कल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कई अफ्रीकी देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री भी आज अफ्रीकी मुल्कों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इन वार्ताओं के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर खास जोर रहेगा। चीन के रक्षा क्षेत्र के उच्च अधिकारी जनरल फेन चांगलोंग अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। 10 सालों में ये इस प्रकार की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा को आपसी विश्वास बढ़ाने और संबंधों का विस्तार करने के लिए चीन की इच्छा के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 कैबिनेट मंत्रियों और 3 राज्य मंत्रियों की छुट्टी की, जबकि अन्य 9 मंत्रियों से छीना मंत्रालय। शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल ने पदमुक्त किए गए मंत्रियों के विभागों का कार्य अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आवंटित कर दिया है। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सतर्कता अदालत ने केरल के वित्त मंत्री के एम मणि के खिलाफ घूस कांड में जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 5 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मणि के खिलाफ दाखिल 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया। 4 दिन की लगातार गिरावट पर लगाम लगाते हुए आज सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 54 अंक ऊपर 26,892 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी लगभग 13 अंक ऊपर 8,125 के आसपास कारोबार कर रहा है। यात्रियों को ट्रेनों में अपने पसंद का भोजन चुनने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशन आधारित ई केटरिंग सेवा अब 45 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और निजामुद्दीन सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख निजी केटरर को भोजन चुनने के लिए दिए गए विविध विकल्पों में से अपने पसंद के भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। सीबीआई ने हरियाणा के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर को कथित आगजनी की घटना में दलित परिवार के 2 बच्चों की मौत के सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एजेंसी ने स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जाँच संभाल ली है। आज करवा चौथ है, यानी सुहागिन महिलाओं का महापर्व। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। रात को चांद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। महिलाओं के लिए ये पर्व बहुत ही खास होता है। सऊदी अरब ने कहा है कि सीरिया में जारी संकट को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटना होगा और ईरान को ये स्वीकार करना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का ये बयान सीरिया संकट पर वियना में जारी बातचीत के दौरान आया है। चीन ने एक दंपत्ति को एक ही बच्चा, दशकों पुरानी इस पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के हवाले से कहा गया है कि कोई दंपत्ति अगर चाहे तो वो 2 बच्चे पैदा कर सकता है। एक दंपत्ति को एक ही बच्चा की विवादित पॉलिसी को साल 1979 में शुरू किया गया था। बैडमिंटन विश्व महासंघ की जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत के शीर्ष पुरुष खिलाड़ी के श्रीकांत 6 स्थान से 5 स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वहीं पी कश्यप 2 स्थान के नुकसान के साथ नवीनतम रैंकिंग में 12 स्थान पर खिसक गए हैं। HS प्रणय 17 स्थान पर बरकरार हैं, जबकि अजय जयराम हाल ही में डच ओपन का खिताब जीतने के बाद 1 स्थान के फायदे से 24वें पायदान पर हैं। इस बीच महिला एकल में साइना 2, जबकि सिंधु 13वें स्थान पर हैं। निलंबित फीफा अध्यक्ष सैप ब्लैटर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि 2018 विश्व कप की मेजबानी रूस को सौंपने का फैसला सैद्धांतिक रूप से वोटिंग के पहले ही हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के वक्त आखिरी समय में हुए बदलाव की वजह से 2022 विश्व कप की मेजबानी कतर को मिली। ब्लैटर ने रूस की समाचार एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं।